आपके वीडियोस देखे थे 12th के टाइम पे मैंने, आज अलग ही फीलिंग है अब आपके साथ वीडियो बनाना। आपके 777 मार्क्स थे आउट ऑफ 800। कर रहा था, फिर एक ऑप्शन वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू का भी रहता है, मतलब बहुत लेट पता चला कि हाँ सीयूटी जैसा एग्जाम है। हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ है विवेक यादव। विवेक ने सीयूटी में 777 मार्क्स स्कोर करे थे आउट ऑफ 800 और आज ये हिंदू कॉलेज से बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। आज के इस इंटरव्यू में विवेक आपके साथ सीयूटी रिलेटेड बहुत सारी टिप्स शेयर करेंगे, साथ में विवेक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं तो उनसे मैं डेफिनेटली यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा और कॉलेज लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो इन शॉर्ट आज के इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो सीधा इस इंटरव्यू को चालू करते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ है विवेक। सबसे पहले विवेक थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को आज हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे चैनल पर इंटरव्यू की पूरी एक सीरीज आ रही है और आज उसी सीरीज का पार्ट बन रहे हैं विवेक। तो विवेक, इससे पहले मैं आपसे कॉलेज लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूं, और आपने मुझे बताया था कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक यादव एंड करेंटली आई एम परसुइंग हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज। जी, तो विवेक देखिए, आज मैं आपसे सबसे पहले सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ और बाकी चीजों रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं अभी हर टॉपर से पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। आपके 777 मार्क्स थे आउट ऑफ 800, तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आपका 12th कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ एक महीना बचा है सीयूटी के लिए और आपको प्रिपरेशन बिल्कुल स्क्रैच से चालू करना है, तो अगर आप होते तो आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? बेसिकली मैं पहले सबसे पहले पीवाईक्यूज लेता, सारे सब्जेक्ट के जो भी है उन पीवाईक्यूज को एनालाइज करता, फिर उनमें से जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उन टॉपिक्स को मैं एनसीईआरटी में जाके एक बार रिवाइज करता और उन्हीं से रिलेटेड मतलब पूरा फोकस मैं उन्हीं पे देता पूरा, और उन बेसिकली पीवाईक्यूज पे ही मैं फोकस करता ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी दोबारा पूरा रिवाइज करने का टाइम इतना होता नहीं है, तो वो ही मेरी स्ट्रेटेजी होती। मतलब आपका कहना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमने एनसीईआरटी एक बार कर चुके हैं, तो इसके बाद अब ज्यादातर फोकस बेसिकली आपका होता एमसीक्यू सॉल्व करने में, और उसमें भी पीवाईक्यू उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में, तो एक बार अगर वो अच्छे से कवर हो जाते हैं फिर अपन दोबारा मॉक देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर एक अच्छा पिकअप रहता है उसके लिए। बढ़िया। और मैं यहाँ पर यह बोल रहा था कि मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, वो जाने कहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो उसमें उन्हें इतने डिफिकल्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इन चक्करों में नहीं फंसना है, आपका जो पूरा डोमेन्स का पेपर है आपके एनसीईआरटी से ही बनेगा, तो एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन ही आप सॉल्व करिए। फिर आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है मॉक्स के बारे में, बताइए कि आपने मॉक्स दिए थे सीयूटी प्रिपरेशन में, और अगर दिए थे तो क्या रीजन था उसका? वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि भैया सीयूटी प्रिपरेशन के लिए मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक्स आ रही हैं वो कंबाइंड है, मतलब एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है? अब जैसे कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा है तो उसे कॉमर्स की बुक खरीदना पड़ेगा भले ही वो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा क्यों ना हो, या फिर आप कंबाइंड बुक खरीदते हैं तो उसमें आपके सब्जेक्ट्स होते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओसवाई गुरुकुल ने भी लॉन्च कर दिए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक्स सीयूटी प्रिपरेशन के लिए, और सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर सब्जेक्ट के अलग क्वेश्चन बैंक इन्हें लॉन्च करें, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का खरीदना है आप सिर्फ उसका भी परचेज कर सकते हैं, कंबाइंड बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक है, एकदम लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करा गया है, स्टार्टिंग में आपको रिविजन नोट्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर से इन क्वेश्चन बैंक्स को परचेज करिए। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, बाकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सीधा इंटरव्यू की तरफ वापस चलते हैं। बेसिकली जैसा आपने अभी बताया कि काफी वेबसाइट्स पे ऐसा होता है कि जो मॉक होते हैं वो काफी मतलब टफ लेवल के होते हैं, जैसे मैंने पर्सनली एक बार एक दो तीन मॉक दिए थे टेस्ट बुक से, उसमें मतलब जो लेवल था वो काफी डिफरेंट था, ऐसा लगेगा अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं था, पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं करना, मतलब जो भी पेपर आता है वो बेसिकली एनसीईआरटी से ही आता है, तो कोशिश कीजिए अगर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उससे मॉक दीजिए, या फिर यूट्यूब में काफी सैंपल पेपर्स हैं उनको देख के आप मॉक दीजिए, मतलब ऐसे ज्यादा वेबसाइट्स आप ऐसा सोच रहे हो कि अपन टफ मॉक्स दे रहे हैं तो वो कोई मतलब इतना वो कुछ है नहीं, और एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन आता है। तो जो ये कई जगहों पर बोला जाता है कि नहीं एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसमें आपका क्या कहना है?
बेसिकली अब ऐसे दो तीन क्वेश्चन होते हैं, पर अपने पास वो भी तो है, क्राइटेरिया है कि अपन को इतने क्वेश्चन ही करने हैं। तो बेसिकली जो आप जिनमें आप 100% श्योर हो, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं, वो ही है। बाकी ऐसा होता है हर सेट में दो तीन क्वेश्चन होते हैं कि जो मतलब पूरा भी बाहर से नहीं आते, पर उस टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन। हो सकता है कि आपने अपने वो एनसीईआरटी में काफी मतलब ध्यान से ना पढ़ा हो, इसलिए आपको लग रहा हो कि वो बाहर से है, पर रहता उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से जो एनसीईआरटी में है। विवेक ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे इससे अभी रिसेंटली का एक किस्सा याद आ रहा है। हमने हिस्ट्री की एमसीक्यूज वीडियो डाली तो वहां पर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आपने मन से डाल दिए, बुक में कहीं नहीं है, जबकि वो क्वेश्चन बुक में ही थे। बस ये है कि आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको वो दिखा नहीं होगा। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बाहर से आए बट वो बाहर से नहीं रहते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स ने ये बताया है कि अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आ भी जाते तो स्किप करने का ऑप्शन रहता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा नहीं था बट अभी मेरे दिमाग में आया कि देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब कई बार यहाँ पर बच्चे ना प्रॉब्लम में ये फंस जाते हैं कि वो पेपर दे रहे हैं, उन्हें इसका आंसर बन रहा है बट अंदर से उन्हें लग रहा है डर कि सही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाद में फिर उन्हें मालूम चलता है कि यार ये तो बन रहा था और मार्क्स चले जाते हैं। और कई बार जस्ट इसका उल्टा ये हो जाता है कि उनसे नहीं बन रहा होता है बट उनको लगता है कि यार तुक्का लगा देते हैं यही आंसर होगा और नेगेटिव मार्किंग में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो जब आप पेपर दे रहे थे तो आप कैसे यश्योर कर रहे थे कि हाँ मुझे इसको अटेम्प्ट करना है इसको नहीं करना है? बेसिकली मैं एक बार थोरली पूरा पेपर करते जाता था, जो मतलब जिनमें मैं 100% श्योर था उनमें तो मैं मतलब कर रहा था। फिर एक ऑप्शन वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू का भी रहता है, जिनमें अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट था कि मतलब ये हो सकता है, इसमें मुझे थोड़ा सा भी मतलब 20 सेकेंड भी उसमें सोचना है, तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल के छोड़ रहा था। फिर लास्ट में मतलब मेरे पास बहुत टाइम बच रहा था, तो फिर जो क्वेश्चन का मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, फिर मैं उनको एक बार थोड़ा सा देखता था, जो भी एनालाइज करता था कि इसका ये ठीक है, फिर एकदम से लगता था ठीक है, हाँ ये सब तो पढ़ा हुआ है, तो फिर वो कर देता मतलब हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी करने लग जाते हैं, था। हाँ ये नहीं करना है। बेसिकली सब ये सोचते हैं कि टाइम बहुत कम है, बट टाइम बहुत इनफ है। एमसीक्यू पेपर है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता होगा मतलब वो आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझे आता है। मतलब जिसकी रीडिंग स्पीड थोड़ी बढ़ी जाती है 12th तक आते आते, तो मतलब काफी इजी प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोगों को लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। और विवेक अब ये क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके साथ बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 12th में हो सकता है बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आए होंगे लेकिन सीयूटी में उनके मार्क्स कम हो गए। तो आपके इस समय दिमाग में जो भी टिप्स या फिर आपको आ रहा है कि मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे कि यार ये गलती बिल्कुल मत करना या फिर ये चीजें अच्छे से कर लेना? बेसिकली पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। मतलब एग्जैक्टली बेसिकली जो अपने पास एनसीईआरटी है, पहले उस पे जितना बार हो सके उसको रिवाइज करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए पीवाईक्यू सॉल्व करना। और पीवाईक्यू में जो अपन ने पहले बात ऐड की थी कि ऐसी वेबसाइट्स पे ना जाए मतलब जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड पीवाईक्यू हो, या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड ना हो, मतलब ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज पे आप पीवाईक्यू देखे। अगर आपका मतलब एनसीईआरटी काफी बार हो गया तो यूट्यूब से हेल्प ले ले, मतलब एक बार थोरली जो भी चैप्टर्स का रिवीजन वीडियोस है वो देख ले। फिर जितना हो सके उतना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, वो बहुत बेनिफिशियल होगा, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, मैंने स्ट्रेटेजी वीडियोस में आपको बताया आपको हर चैप्टर के लिए NMP स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। N से मतलब सबसे पहले NCERT करो और MP से मैंने आपको बताया आपको MCQs करना है और PYQs करना है। बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, इतना करो इनफ रहेगा आपके लिए। अब विवेक मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश के साथ GT करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि जनरल टेस्ट हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है। और मैंने आपका CUT का जो कार्ड देखा, आपके सब्जेक्ट्स देखे, तो आपने इंग्लिश भी ले रखा था, जनरल टेस्ट भी और हिंदी भी। तो मतलब इतना मोटिवेशन कैसे आया आपके अंदर से और क्या रीजंस थे जो आपने तीनों लिए? बेसिकली पहले इंग्लिश और हिंदी मैंने इसलिए लिया क्योंकि 12th में मेरे पास दोनों लैंग्वेजेस थी, और अच्छा मतलब मेरा कमांड सही था दोनों पे ही, पर मुझे लगा कि ठीक है दोनों दे लेते हैं, क्योंकि जिसमें भी ज्यादा नंबर आए वो काउंट होगा, तो एज ए बेनिफिशियल ही है, और मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा एक ऐसा पेपर देने का, तो इस वजह से मैंने दोनों लैंग्वेजेस ली। प्लस जीटी मतलब मेरा टारगेट तो डीयू ही था शुरू से, तो उसमें जीटी का कुछ रोल था नहीं, पर ठीक है मतलब अपनी फील्ड से हटके रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह पढ़नी थी थोड़ी, तो उस लिए फिर मैंने जीटी भी लिया। अच्छा मतलब आपके सब्जेक्ट्स थे इसलिए आपने लिया था। और देखिए कितनी अच्छी आपने बोली कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और यहाँ हम डरने लग जाते हैं तो डरना नहीं है। देखो आपका जो भी क्राइटेरिया है, जिस भी आपको यूनिवर्सिटी में जाना है वहां पर जिन भी सब्जेक्ट की जरूरत है उन्हें सबसे अच्छे से करो आप। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने ले लिया तो बाद में जो आपके थोड़ा फ्री टाइम बचता है उसमें आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर विवेक एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को हो रही बैलेंस करने में, और आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि आपके ज्यादा सब्जेक्ट्स थे। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि दिन भर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को बैलेंस कैसे करें। मतलब जैसे अगर कोई हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कर रहा है तो कब हिस्ट्री करें, कब पॉलिटिकल साइंस करें, कब जनरल टेस्ट करें, तो आपने ये बैलेंस कैसे बनाया? बेसिकली इसमें पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मतलब आपसे जो पढ़ाई है वो सुबह ज़्यादा अच्छे से हो रही है या फिर रात को। जैसे पर्सनली मैं अपनी पढ़ाई रात को ज़्यादा प्रेफर करता था, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब 2 आवर्स एक सब्जेक्ट को दे, उसमें बीच में आप लाइक 10 to 15 मिनट्स ब्रेक रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप एक या 2 PYQ कर सकते हो सब्जेक्ट के डेली, तो उससे आपका अच्छा अमाउंट हो जाएगा उस सब्जेक्ट पे। ठीक है, और आपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए कैसे करा था प्रिपरेशन? इंग्लिश का बेसिकली मैंने वोकेबलरी पे, सिनोनिम्स पे, एंटोनिम्स पे और ग्रामर वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक और है, उसके लिए मैंने थोड़े यूट्यूब वगैरह से वीडियोस देखे थे जो भी उन टॉपिक से रिलेटेड थे। जैसे कोई भी एक सिलेबस में से आपने उठाया, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, तो उससे रिलेटेड वीडियोस देखे, फिर आपने उनको प्रैक्टिस किया, उसमें वो रूल्स अप्लाई किए, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि PYQs में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें कैसे वो रूल अप्लाई करना है, उससे ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। और जनरल टेस्ट के लिए मैंने करंट अफेयर्स वगैरह के मैं डेली एक दो वीडियोस देखता था, उसके साथ में मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस करता था। इसमें लाइक इतना कोई लेवल हार्ड नहीं रहता, 10 तक का रहता है, पर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब इतना कुछ वो नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल की मैथ आएगी। अभी तक मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक भी टॉपर नहीं है जिसने बोला हो कि जनरल टेस्ट और इंग्लिश डिफिकल्ट आता है। और देखिए, ये ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब इनका तो मैथ्स कब से छूट गया था, मतलब 10th के बाद हमने पढ़ा ही नहीं, 11th 12th में कुछ नहीं करा। उसके बाद जब इनको ईजी लग रहा है, तो अगर कोई ऐसे स्ट्रीम का है जहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज है, लाइक अगर कॉमर्स में थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, अगर आप मैथ साइंस वाले हो, तो फिर तो आपको कितना आसान लगेगा आप खुद सोच लो। अब मैं आगे आपसे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा विवेक, लेकिन उससे पहले लास्ट क्वेश्चन सीयूटी रिलेटेड, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सीयूटी के बच्चों से। अब ये तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपने भी कुछ कुछ सोचा होगा कि आप क्या आंसर करेंगे, तो उसको जोड़कर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं लास्ट में पूरा समराइज कर देता हूँ कि ज्यादा ठीक है, रिसोर्सेस के पीछे मत भागो, NCERT को अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके उतने PYQs दो, और एग्जाम देने से पहले एक बार अपने मतलब PYQs का अपना पूरा टाइम सेट करके देखो कि आपका उस टाइम ड्यूरेशन में आपसे PYQ हो रहा है या नहीं। और जब एग्जाम दो तो ज्यादा हेजिटेट मत करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, काफी टाइम रहता है। मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि टाइम बहुत कम है, काफी टाइम रहता है। और जो क्वेश्चन आपको करने हैं उसके अलावा जिनको नहीं करना उन क्वेश्चन के बारे में भी सोचो, तभी मतलब वो जो आपसे परफेक्ट जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो ही करो, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है मतलब आपका एक कॉलेज स्लिप हो जाएगा नॉर्थ कैंपस से, ये आप सोच सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा कॉलेज लाइफ का पूछता हूँ। एक अजीब टाइप का क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि क्यों करें सीयूटी का प्रिपरेशन, मतलब क्या करेंगे अच्छे कॉलेज में जाके। तो आप मुझे आंसर दीजिए कि अगर किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों जाए, उसको अच्छा कॉलेज ही क्या मिले, तो आप उस कॉलेज में, आप बच्चों के ड्रीम कॉलेज में, तो क्या चीजें आपको ऐसी देखने को मिली, मतलब जो आपको लगा कि हाँ भाई सीयूटी में मेहनत करना वर्थ इट है। ओके, बेसिकली मैं अब किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी को DU से कंपेयर करता हूँ। फर्स्ट तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी ठीक स्टेट है, यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा उससे रिले, और एकेडमिकली जो यहाँ पे प्रोफेसर्स है वो काफी नॉलेजेबल है। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज में बेसिकली क्या होता है कि प्रोफेसर्स क्लास लेने ही नहीं आते। जब मैं अपने जी दोस्तों से बात करता हूँ वो देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में उनके क्लासेज हो ही नहीं रही है टाइम पे, और अगर हो रही है तो मतलब हिंदी में पढ़ा रहे हैं, वो वाला इश्यू है थोड़ा। अब इंग्लिश मीडियम वाले कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जबकि DU में क्लासेस पूरी टाइम पे होती है। और सबसे मेन चीज है आपको यहाँ पे कंपटीशन मिलेगा, जितने भी आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो सब टॉपर्स है, अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, उनके साथ रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सब। DU की इम्पोर्टेंस तब आपको पता चलेगी, शुरू में आपको लगेगा थोड़ा आप डिमोटिवेट होगे कि मैं इनसे काफी लो स्कोरर हूँ, आप टॉपर होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा, फिर आप अपने जी आप को पुश करोगे, तो वो जो पुश है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, मुझे लगता है। हाँ बढ़िया, और आपने मुझे बताया था कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो अभी आप प्रिपरेशन वगैरह भी कुछ कर रहे होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि लाइक कॉलेज लाइफ को और बाकी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं आप। बेसिकली मैं हिस्ट्री ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं आगे जाके हिस्ट्री ऑप्शनल्स में लेने का सोच रहा हूँ, तो मैं ठीक हिस्ट्री की है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी। उसके अलावा मतलब आप करंट अफेयर्स वगैरह कर सकते हैं, स्टैटिक जो GK है करंट के साथ वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप वो कवर कर सकते हैं। बाकी अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ऐसा सच कोई कोचिंग नहीं ले रहा। कॉलेज में मतलब एक नोशन रहता है कि कॉलेज में काफी बिजी हो जाएंगे, सोसाइटीज में काफी एक्टिविटीज रहती है,
फिर भी मतलब एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आराम से तैयारी कर सकते हो। साथ में कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया है। और देखिए इनकी एक बात अच्छी लगी, ये पहले से क्लैरिटी रखे हुए हैं। इन्हें क्या बोला कि ये ऑप्शनल हिस्ट्री चूज करेंगे हाई चांसेस है, इसलिए हिस्ट्री में ऑनर्स कर रहे हैं। तो आप भी ये चीजें थोड़ा देखकर प्रिपरेशन करो। अब ये मत करो कि आप कर कुछ और में ऑनर्स रहे हो, फिर आप माइंड डाइवर्ट कर रहे हो कि यार कहीं और से कुछ कर लेंगे। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा क्लैरिटी रखते हो तो अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चेंज मत करो, सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, बट अगर स्टार्टिंग से आप सही स्टेप लेते हो तो बेटर रहता है। फिर आप मुझे थोड़ा सा ना टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। अब आप तो कॉलेज में हैं तो आपको तो और ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का ये इशू रहता होगा। अभी सीयूटी का प्रिपरेशन भी जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो आप अपने दिन को मैनेज कैसे करते हो? लाइक पहले से सोच लेते हो दिन भर में क्या करना है, या फिर रेस्ट अच्छे से लेते हो, ब्रेक्स क्या करते हो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए? बेसिकली सबसे अच्छा ये होगा कि आप डेली गोल्स बनाओ कि मतलब आपको किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। और ठीक है। बेसिकली अभी मैंने थोड़ी दिन पहले एक बुक पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स, उसमें काफी अच्छे से ये सब मतलब छोटी छोटी चीजों से आप कैसे एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हो, तो उसमें काफी अच्छे से ये सब चीजें बताई हुई है कि जैसे अपन अपने छोटे छोटे गोल्स डेली बेसिस पे जी सेट करें, फिर अगर आप उनको फुलफिल करोगे तो आपको अंदर से ही एक मोटिवेशन आएगा, काफी एंथुजियास्टिक रहोगे आप। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी गोल है वो सेट कीजिए और उसको पूरा ट्राई कीजिए कि वो फुलफिल हो। एटॉमिक हैबिट्स के बारे में तो ना जाने चैनल पर कितनी वीडियोस में मैंने बताया, मस्ट रीड है। जरूर से आप सब पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी फ्यूचर में बुक्स रिकमेंड करूंगा आप सबको। इसके बाद विवेक एक और क्वेश्चन मैंने और भी टॉपर से पूछा, आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आप कॉलेज में, जैसा आपने कहा कॉलेज में हर बच्चा टॉपर लगता है, तो कौन सी ऐसी स्किल्स आपने नोटिस करी जो बच्चों को एक एक्स्ट्रा एज दे रही है कॉलेज में? कि मतलब अगर ये स्किल्स बच्चों में पहले से है तो कॉलेज में वो अलग शाइन करेंगे, तो बच्चे अभी से वो डेवलप कर सकें। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक आपके है। अंदर कितनी भी नॉलेज है पर आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप अभी से उस पर थोड़ा फोकस करना शुरू करोगे तो आपको एक एज रहेगी कॉलेज टाइम पे। ठीक है, ये मेरे हिसाब से अब थर्ड टॉपर है जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कहा। और मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहूंगा, लोग कम्युनिकेशन स्किल का मीनिंग बहुत गलत समझते हैं। उनका मतलब होता है कि एक लैंग्वेज में आपकी पकड़ कितनी है, बट वो नहीं होता है मीनिंग। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आपके दिमाग में जो है उसको आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। मतलब बहुत सारे बच्चों को आपने सुना होगा ना कि यार मुझे अंदर मालूम है क्या बोलना है, बट मैं बस बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है तो कॉलेज में बहुत दिक्कत आपको आएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने के लिए अच्छी बुक्स आप रीड करो, वीडियोस देखो, बोलो, अपने जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चलते हैं उन्हें लिखो, जर्नलिंग वगैरह करो, अपने आप इन चीजों में आप इंप्रूव होगे। और मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है विवेक, इससे रिलेटेड, आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो? लाइक एंजाइटी स्ट्रेस है तो सबको होता है, तो कैसे आपने सीयूटी प्रिपरेशन में कैसे इसको मैनेज करा, अभी कैसे मैनेज करते हो आप? बेसिकली मैंने तो इतना लेट स्टार्ट किया था, मतलब 12th के एंड तक मुझे कुछ क्लियर था ही नहीं कि सीयूटी जैसा एग्जाम कुछ होता भी है। मतलब बहुत जी लेट पता चला कि हाँ सीयूटी जैसा एग्जाम है, फिर पता चला डीयू में काफी मतलब प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, वो ह्यूमैनिटीज के लिए इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस वहाँ पे है। तो फिर एक गोल सेट किया कि हिंदू कॉलेज चाहिए, फिर उसके लिए मतलब जब आपका गोल क्लियर हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए कौन सा कोर्स चाहिए, तो अंदर से एक मोटिवेशन रहता है कि आप मतलब उस चीज के लिए जो आपका गोल है उसके लिए आप एफर्ट्स करो। तो मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसा हेजिटेशन होती थी पर गोल क्लियर था तो उसके लिए मतलब मेहनत करनी थी तो वो पहले से पता था कि मतलब हाँ अब जो भी है सब कुछ मतलब पूरे एफर्ट्स लगाने हैं कि कभी रिग्रेट ना हो कि मतलब मैंने मेहनत कम की और मेरा रिजल्ट वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो अगर एक बार आप सब डिसाइड कर लोगे तो फिर काफी इजी हो जाएगा, स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा पूरा। मतलब डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब विवेक आखिरी में बस आपसे बोलना चाहूंगा, हर एक इंटरव्यू में बच्चे कमेंट करते हैं कि जब सीयूटी टॉपर्स कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं ना कि अरे हो जाएगा या सब पॉसिबल है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो एंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सीयूटी एस्पिरेंट्स को जो अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं डाउट में, तो कोई अगर आप पॉजिटिव मैसेज अगर उन्हें देना चाहते हैं। बेसिकली सीयूटी बहुत इजी एग्जाम है और आप बस एफर्ट्स करते रहो, सीयूटी हो जाएगा आपको। होपफुली नॉर्थ कैंपस का सबसे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, तो आप एफर्ट्स करते रहो बस और हो जाएगा सब। ठीक है, तो अब विवेक ने भी बोल दिया है, तो आप सब मेहनत करिए और हो सकता है फिर आप कॉलेज में विवेक से भी जाकर मिलें। विवेक थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आज के इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आगे और भी इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना है आप टॉपर से वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।
जिन क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वो आगे वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। फिर से विवेक, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।